गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज फिर उसी टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। हमने अभी स्टार्ट किया था इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर विथ सिलेंडर। ठीक है, दो सिलेंडर का आपस में इंटरसेक्शन होगा, उससे रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, पहले इसको लिख लेते हैं। अ वर्टिकल सिलेंडर, फिर से एक वर्टिकल सिलेंडर है ऑफ 75 mm डायामीटर इज पेनिट्रेटेड बाय another cylinder of the same size। ठीक है, दो सिलेंडर है जो आपस में एक दूसरे को आर पार कर रहे हैं और दोनों का साइज जो है सेम है। ठीक है, मतलब दूसरे वाले का भी 75 mm डायामीटर होगा। फिर एक्सिस की पोजीशन बताएगा क्वेश्चन में, द एक्सिस ऑफ द penetrating cylinder is parallel to both the HP and VP, ठीक है, and is 9 mm away from the axis of vertical cylinder। मतलब axis जो है parallel to HP and VP बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये हमारा XY है तो दूसरे वाले सिलेंडर का पैरेलल टू HP एंड VP, मतलब पैरेलल टू HP VP ये होगा, ठीक है। फ्रंट व्यू भी ये होगा और टॉप व्यू भी ऐसा होगा, मतलब हमारा जो सिलेंडर है वो ऐसा होगा, कौन सा, जो एक दूसरे को पार कर रहा है, ठीक है। मगर पहला सिलेंडर हमारा कैसा है, वर्टिकल है, ऐसा जिसका फ्रंट व्यू ये है और टॉप व्यू ये है, तो इसके इसके एक्सिस से 9 mm की दूरी पर, मतलब अगर अगर इसका एक्सिस बनाया जाए ऐसा होगा, तो यहां से 9 mm की दूरी लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यहां से 9 mm की दूरी, यानी कुछ यहां पर आएगा, ओके। तो इसमें क्या आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन में, ड्रॉ द प्रोजेक्शन, फाइंड इंटरसेक्शन कर्व। ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट के तौर पर मैं दे रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछला आपने, अगर आपने पिछला सिंसियरली बनाया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कॉल करके पूछेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको एज ए असाइनमेंट ही दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। सी, असाइनमेंट देने की वजह ये है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, तो मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, कितने भी वीडियो डाल लूं, वो यूजफुल नहीं है, ठीक है, वो पूरा वेस्ट है। क्योंकि मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट जो होते हैं, ये खाली प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे आपने मैथ्स में सीखा होगा, आप जितना ज्यादा बनाते जाएंगे कॉन्सेप्ट, उतना ज्यादा ही आपका क्लियर होता चला जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन करवाते जाऊं और वहां से आपका कोई रिजल्टेंट ना आए, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी तरह से ये एग्जाम नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि मैं अब आपको, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चंस के हिंट दे करके आपको बताती जाऊंगी और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एज एन असाइनमेंट मुझे सबमिट करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ वो इस तरह से है, अ सिलेंडर ऑफ 60 mm डायामीटर having its
एक्सिस वर्टिकल इज पेनिट्रेटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ 40 mm डायमीटर। एक सिलेंडर जो वर्टिकल है उसका 60 mm डायमीटर है, दूसरे का 40 mm डायमीटर है। एक्सिस की कंडीशन इसमें बताई होगी, द एक्सिस ऑफ द पेनिट्रेटिंग सिलेंडर इज पैरेलल टू द वीपी एंड बाइसेक्ट्स द एक्सिस। बाइसेक्ट मतलब बराबर दो भागों में बांटना, बाइसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ द वर्टिकल सिलेंडर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 degree विथ इट। ड्रॉ प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब क्या है क्वेश्चन में, एक वर्टिकल सिलेंडर है तो वर्टिकल सिलेंडर इस तरह से होगा, ठीक है, इसका 60 mm डायमीटर है। एक दूसरा वाला जो 40 mm डायमीटर है, इसकी पहले वाले की एक्सिस इस तरह से होगी, ये तो आपको पता ही है, मैं हिंट दे रही हूँ आपको। दूसरा वाला जो है वो क्या है, उसकी एक्सिस जो है पेनिट्रेटिंग द सिलेंडर एंड इज पैरेलल टू द वीपी बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना। पैरेलल टू द वीपी बाइसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ द वर्टिकल सिलेंडर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 degree विद इट। मतलब बाइसेक्ट मतलब इस यहां से लेके यहां तक जो एक्सिस है उसका मिड पॉइंट, यानी ये है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो यहां से कितना एक्सिस एंगल बना रहा है, एज पर क्वेश्चन इट इज 60 degree। तो हम यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रख करके 60 degree बना लेंगे ऊपर की तरफ, ये एंगल हमारा हो जाएगा 60 degree। तो यहां से आप सिलेंडर बना लेंगे इसके आधार पर, ठीक है, ये बना लेंगे। इसको आप नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे इस तरह से, प्रोजेक्शन लेकर के वापस, आपको पता है कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सिलेंडर आपको इस तरह से दिखेगा, क्योंकि तिरछा है तो दोनों साइड के सरफेस जो है आपको नजर आएंगे, ये एक तरफ का सरफेस और ये हल्का सा गोल, ठीक है। अब इसमें आपको साइड व्यू लेते हुए पॉइंट्स लेकर के दोनों के इंटरसेक्शन निकालने हैं, ठीक है। तो ये मैंने हिंट दे दिया, आप इसको सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट क्लास में सेंड करेंगे, ठीक है। ये दोनों असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।